देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। अभी मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के सामने खड़ा हूं आप लोगों को यह बताने के लिए कि बिहार में एनडीए के घटक दलों के सीटों की घोषणा होने वाली है, जिसका इंतजार आप लोगों को कई दिनों से है। सभी लोगों को असमंजस बनी हुई है कि कौन सीट किसके खाते में जाता है, उसी की आज घोषणा होनी है, जिसकी अहम बैठक अंदर चल रही है, जहां तीनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष मुस्तैद हैं। आप लोगों को बता दें कि भाजपा के नित्यानंद राय, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नारायण सिंह एवं लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति नाथ पारस तीनों अपने अपने खेमे के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस बैठक के समाप्ति के बाद सभी लोगों संयुक्त रूप से सीटों की सूची सार्वजनिक तौर पर जारी करेंगे, जिससे हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सी सीट किस किस दल के पाले में गया है और कौन होंगे वहां से 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी। फिलहाल सीटों की सूची जारी कर दी गई है और सामने आ गई है जो इस प्रकार है। जनता दल यूनाइटेड को मिली 17 सीट, जिसमें है वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सुरक्षित सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, करनाल, जहानाबाद और गया, सुरक्षित ये सीटें मिली है जनता दल यूनाइटेड को। अब आगे दिखाते हैं कि भाजपा के कौन कौन सी सीट मिली है। यह सीट है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजैयारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, सुरक्षित और औरंगाबाद। अब आगे दिखाते हैं रामविलास जी की पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी को कौन कौन सी सीट मिली है। वह है वैशाली, हाजीपुर, सुरक्षित समस्तीपुर, सुरक्षित खगड़िया, जमुई, सुरक्षित और नवादा। यह रहा गठबंधन की सूची, जिसमें स्पष्ट है कि कौन कौन सी सीट गठबंधन के किस दल को दिए गए हैं। अब ये लोग अपने अपने पाले के सीट पर अपना अपना उम्मीदवार उतारेंगे, जो चुनाव परिणाम पक्ष में लेकर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नित्यानंद राय जी, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी, इस मंच पर इस प्रेस और मीडिया सम्मेलन में उपस्थित हम लोग अपने पार्टी के राज्यसभा के नेता और पार्टी के संगठन के प्रभारी महासचिव रामचंद्र बाबू, देवेश ठाकुर जी उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, नीतीश मिश्रा जी तथा प्रेस और मीडिया के साथियों, हम लोगों ने पहले ही अपने सीटों का संख्या के विषय में निर्णय कर लिया था और आप लोगों से सूचित किया था कि उपयुक्त समय पर हम लोग कौन दल किन सीटों पर लड़ेगा, इसके विषय में आप लोगों को जानकारी देंगे। और क्योंकि चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और हम लोगों ने बिना कोई मतभेद के आपसी सहमति से ये लिस्ट तैयार किया है कि जदयू कितने सीटों पर लड़ेगी, भाजपा कितने सीटों पर लड़ेगा और लोक जनशक्ति पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। ये सीटों की संख्या के विषय में पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है और हम पूरे आश्वस्त होकर के ये सीटों की सूची जारी कर रहे हैं कि जनमत का समर्थन, बिहार के लोगों का समर्थन काम के आधार पर, तो चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार हो
हम लोगों के बीच में बराबर संपर्क में रहे हैं और हमारे तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता में एक तरह का उत्साह है। सीटों को भले ही हम लोग अलग अलग पार्टी से आज निर्णय किया है, क्योंकि तीन महत्वपूर्ण पार्टियां इस गठबंधन में हैं, लेकिन हमारे एक एक कार्यकर्ता, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हों, चाहे जनता दल यू के कार्यकर्ता हों, चाहे लोक शक्ति जन पार्टी के कार्यकर्ता हों, एक यूनिट की तरह से चालों 40 निर्वाचन क्षेत्र में काम करेंगे। और रैली में इसका प्रदर्शन भी हो चुका है, रैली को आप लोगों ने देखा है। तो मैं लिस्ट पढ़ देता हूँ कि जदयू को कौन सीट मिला, भाजपा को कौन सीट और लोजपा। जदयू वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, काराकाट, जहानाबाद, गया, नालंदा। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद। अब लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, नवादा, और सबको सूची भी मिल जाएगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक दो दिन के अंदर ही 400 सीट पर कौन से हमारे उम्मीदवार होंगे उसकी सूचना भी आपको एक दो दिन के अंदर में दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है 2019 में, बिहार में 40 सीट है। निश्चित रूप से हम दावा करते हैं कि बिहार में 40 सीट जीतेंगे और केंद्र में 400 सीट जीतेंगे। हमारा जो गठबंधन है वो बिल्कुल अटूट है। कहीं तो हमारे जो कार्यकर्ता है, चाहे तीनों दल के जो कार्यकर्ता है, तीनों दल के जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, सब लोगों की आपस में सहमति है और बिहार का जो रिजल्ट होगा वो स्पष्ट होगा। जय हिंद, जय भारत। चंद्र बाबू, माननीय दिवेश जी, माननीय नीतीश मिश्रा जी, संजय जी, सभी एनडीए के पदाधिकारीगण, परिषद के बंधु, अभी एनडीए बिहार प्रदेश की कौन सी सीटें अपने कौन दल के लोग लड़ेंगे इसकी घोषणा हुई है और 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी। जहां तक कोई बंधु प्रश्न कर रहे थे उम्मीदवारों की, तो उम्मीदवारों की प्रक्रिया होती है, तीनों पार्टी के पार्लियामेंट पार्टी बोर्ड के लोग, भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड, जदयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड और लोजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड, सब लोग अपने अपने सदस्यों के साथ बैठेंगे और उम्मीदवारों की सूची फिर प्राप्त हम सबों को होगा, बिहार प्रदेश को। फिर हम लोग संयुक्त रूप से उम्मीदवारों की घोषणा जल्दी ही हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और एनडीए गठबंधन मन से है और जनहित के विकास के मुद्दे हो, भ्रष्टाचार मिटाने की हो, गरीबी मिटाने की हो, देश की सुरक्षा का सवाल हो, सबका साथ सबके विकास के साथ, बिहार में जो एनडीए यह सरकार और इस सरकार के मुखिया माननीय
मुख्यमंत्री जी द्वारा, श्री नीतीश कुमार जी द्वारा जो किए हुए विकास के काम हैं, और केंद्र में हमारे एनडीए सरकार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास कार्य है, और विकास जिस प्रकार से बिहार की धरती पर केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर की है, और आज पूरे तरह से विकास की धारा गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंच रही है, 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा इधर, दादा इधर।